हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में देखेंगे आप Realme X7 की फिंगरप्रिंट टेस्टिंग, इसका फिंगरप्रिंट कैसे सेटअप किया जाता है, सारा डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए इसका फिंगरप्रिंट फटाफट सेटअप कर लेते हैं और कैसे रिमूव किया जाता है, सारे डिटेल्स इस वीडियो में। तो सबसे पहले सेटिंग को ओपन करेंगे। सेटिंग को ओपन करने के बाद थोड़ा सा स्लाइड करेंगे और यहाँ पर देखिए नीचे आ गया फिंगरप्रिंट एंड फेस पासवर्ड, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर, यहाँ पे देखिए ये बायोमेट्रिक वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ऐड फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे 5 सेकंड का टाइमिंग दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 6 डिजिट का पासवर्ड सेट करना पड़ेगा आपको, तो जैसे कि मैं सेट कर रहा हूँ। और फिर से यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा, तो मैंने वेरीफाई कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जो है ऑन स्क्रीन ये फिंगरप्रिंट है, इसमें देखिए इसको सेटअप कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ गया। फिर से थोड़ा सा यहाँ सेटअप करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो है सेटअप हो गया है, मैंने कंटिन्यू पे भी क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे डोंट रिमाइंड और एनरोल पे क्लिक कर देते हैं। फेस को भी एनरोल नहीं करना है, तो यहाँ पे मैं अभी चेक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे शो करने लगा है, जैसे क्लिक करूँगा तो देखिए यह अनलॉक हो गया है। फिर से मैं दिखाता हूँ, काफ़ी फास्ट है ये फिंगरप्रिंट। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन पर रख रहा हूँ खुल जा रहा है, तो इसका फिंगरप्रिंट जो है काफ़ी फास्ट नज़र आ रहा है मेरे को और काफ़ी फास्ट भी है। अब इसको जो है, इस डाटा को मैं कैसे रिमूव करूँगा मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है इस पर क्लिक करेंगे तो डाटा रिमूव हो जाएगा। तो दोबारा मैं सेटिंग में आता हूँ, ठीक है। यहाँ से सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर फिंगरप्रिंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आपने पिन डाला था वो पिन डालना है। यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे जो है रिमूव का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो डाटा जो है डिलीट हो जाएगा। तो देखिए ये डिलीट हो गया। अब यहाँ से देखिए फिंगरप्रिंट से जो है नहीं खुलेगा, यहाँ से लॉक ही करना जो है, मैंने पिन डाला था वो पिन के थ्रू से खुलेगा। तो इस तरह से आप जो है फिंगरप्रिंट को सेटअप कर सकते हैं और फिंगरप्रिंट के डाटा को रिमूव कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।